हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, इकोनॉमिक साइंस में हर साल नोबेल लॉरिएट सेलेक्ट होते हैं, कई बार सिंगल, कई बार डबल और कई बार तीन तीन लॉरिएट्स भी सेलेक्ट होते हैं नोबेल प्राइज के लिए। लेकिन इस बार जो सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन, तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ईजी हो गया है इनको इनका नाम याद रखना, ठीक है। तो अपकमिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। हर साल हम लोग डिटेल वीडियो बनाते हैं नोबेल प्राइज की, जो भी नोबेल लॉरिएट्स होते हैं इकोनॉमिक साइंस से। तो इस बार का जो नोबेल लॉरिएट्स हैं वो है हमारे क्लाउडिया गोल्डन, एक बात तो ये नाम याद रखिएगा। और किस लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले तो यही जो मेन की है, यही की एग्जाम में पूछ लेता है। मेनली उनकी जो स्टडी थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। अगर हम जिस में बात करें, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर में और जो आउटकम्स वो ले रही है, मतलब जो सैलरी वो ले रही है या फिर जो भी वो मनी रिसीव कर रही है, उसमें डिफरेंस है मैन और मेल और फीमेल के। तो यही डिफरेंस को पता करने के लिए इन्होंने 200 साल की स्टडी की। स्टडी जो इनकी है 1790 से लेके 1990 तक। हालांकि जितने भी आर्चिव्स हैं या फिर जितने भी आर्टिकल्स इन्होंने यूज किए होंगे या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स कह लो या फिर जितने भी हिस्टोरिकल बुक्स इन्होंने यूज की होंगी, ये 200 सालों की स्टडी इनकी जो ये बताती है कि यहाँ पे डिफरेंस मेल और फीमेल का डिफरेंस, ठीक है। चलिए, 10th of October से नया बैच शुरू हो रहा है हमारा, ऑनलाइन बैच, ठीक है। पेपर टू इकोनॉमिक्स में रहेगा और वैलिडिटी रहेगी 4 मंथ। क्रैश कोर्स है और 2999 इसका प्राइस रहेगा। अगर विलिंग है आप तो ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम टॉप टारगेट करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम को। उम्मीद है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये रिलीज करता है हर साल का नोबेल प्राइज। हालांकि जो नोबेल अल्फ्रेड नोबेल थे, जब इनिशियली उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी या फिर जितना वेल्थ था उसमें से ही वो प्राइज देते थे, तो इकोनॉमिक साइंस उसमें पार्ट नहीं था। इकोनॉमिक साइंस पार्ट हुआ बाद में, 1968 में ये बना इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस में भी कोई सेलेक्ट होना चाहिए एज अ नोबेल प्राइज विनर। तो 2013 में, दैट इज 23 में, क्लाउडिया गोल्डन को ये अवसर मिला है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, एमए किया है और यूएसए, तो मेनली यूएसए सिटीजन। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि यूएसए सिटीजन जो है लॉरिएट्स वही बनता है जो यूएस सिटीजन है। हालांकि ये हर बार नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम है। स्टडी वही है इनकी, फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में डायरेक्ट आएगी वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, ठीक है। वुमेन को जो आउटकम्स मिलते हैं लेबर मार्केट में उसके बारे में स्टडी है। आगे देखते हैं कुछ कुछ बातें इन्होंने जो एक डायग्राम से भी समझाने की बातों को अपनी जितनी भी स्टडी है इनकी डायग्राम्स के थ्रू भी या इमेजेस के थ्रू भी बातें इन्होंने, ठीक है, अपनी तरह रखी है। सो 9th of October को ये जो जितनी ही मीटिंग थी या फिर जो भी प्रेजेंटेशन था, इसकी जितनी ही बातें हैं वो सब इसमें ऐड है। तो आपको कहीं से और चीज जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शी अनकवर्ड कीज ड्राइव्स ऑफ जेंडर डिफरेंसेस इन लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट में उन्होंने जेंडर डिफरेंसेस को बताया, सिर्फ मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है सैलरी में, इनके डिफरेंस आपको गजब का मिलेगा। मेल का सैलरी पैकेज थोड़ा सा हाई रहेगा, फीमेल का थोड़ा लो रहेगा। अपॉर्चुनिटीज का मेल को ज्यादा रहेंगी, फीमेल को कम रहेंगी। हालांकि आज की स्टडी नहीं है, ये 200 सालों की स्टडी है, ठीक है। सो दिस ईयर्स लॉरिएट्स, इकोनॉमिक लॉरिएट्स इन इकोनॉमिक साइंस, क्लाउडिया गोल्डन प्रोवाइड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट वुमेन्स अर्निंग एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पब्लिश की है जिसकी वजह से उनको ये नोबेल मिला है। चलिए, सो हर रिसर्च रिवील्स दैट कॉज ऑफ चेंज। अब इसमें ये भी पता लगेगा हमें कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है। एक यू शेप उन्होंने एक डिस्कस किया है और वो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में उनका मेन सोर्स क्या है, ठीक है। और रिमेनिंग जेंडर गैप, जेंडर गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल का गैप। सो वुमेन आर वास्टली अंडर रिप्रेजेंटेड इन ग्लोबल लेबर मार्केट। ग्लोबल लेबर मार्केट में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वो कम है एज कंपेयर टू मैन। सो इनकी जो स्टडी थी वो 200 ईयर्स का डाटा इन्होंने कलेक्ट किया था, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स इन्होंने यूज किए होंगे, ठीक है। और यूएस इकोनॉमी को इन्होंने मेनली स्टडी किया, अलाउइंग हर टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ एंड वाई जेंडर डिफरेंसेस इन अर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैव चेंज ओवर टाइम। कैसे कैसे जो रेट्स थे एम्प्लॉयमेंट के, चाहे अर्निंग्स थे मेल फीमेल के, और
ईयर बाय ईयर इनमें भी कुछ चेंजेस आया। एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे इमेजेस इन्होंने इमेजेस से अपनी स्टडी को ठीक है रिप्रेजेंट किया। अब इस इमेज को ही देखो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बनती है कि इन्होंने किस कर्व का यूज किया, एल कर्व का, यू कर्व का, जो इनकी एक जर्नी थी ठीक है। सो वर्टिकल एक्सेस पे मैरिड वुमेन इन वर्क, मैरिड वुमेन और परसेंटेज शो कर रहा है, और एक्स एक्सेस पे ये शो कर रहा है कि ईयर्स ठीक। तो मैरिड वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट ये स्पेशली शो कर रहा है। पहले इनिशियल डेज में 1790s 18 जो 18th सेंचुरी थी उसमें एग्रीकल्चर ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता था, ऑक्यूपेशन एक एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। अब टाइम जो वुमेन पार्टिसिपेशन था स्पेशली मैरिड वुमेन इन वर्क वो बिल्कुल डिक्लाइन होता जा रहा था। और उसके बाद जो ये वाला टाइम ड्यूरेशन है 1880s का, अब इंडस्ट्रियल फेस आना शुरू हो गया था ठीक है, इंडस्ट्रियल फेस आना शुरू हो गया। और 1910 तक यहाँ तक बिल्कुल लोवेस्ट लेवल रह गया था मैरिड वुमेन इन वर्क ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% अगर हम बात करें उससे भी ठीक है नियर अबाउट है। सो यहाँ पे वुमेन का परसेंटेज मैरिड वुमेन इन वर्क। अब यहाँ से रिकवरी शुरू हुई क्योंकि यहाँ से सर्विस सोसाइटी आनी शुरू हुई। सर्विस सेक्टर हम लोग कहते हैं ना बात, सर्विस सेक्टर का आज भी क्या है इमर्जिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी है हमारी, तो सर्विस सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ से देखो 1910 से सर्विस सेक्टर या सर्विस सोसाइटी होने की वजह से यहाँ से वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पेशली मैरिड वुमेन इन वर्क वो इंक्रीज होना शुरू हुआ ठीक है, 20% बढ़ा। फिर ईयर दर ईयर 1970s तक ये काफी ऊपर गया, और 1790s तक ये अप्रोक्स पहुंच गया ठीक 50 या उससे ज्यादा परसेंट मैरिड वुमेन का वर्क वर्कफोर्स कह लो या फिर जो एक्चुअल वर्किंग वुमेन, मैरिड वुमेन स्पेशली इन्होंने बात करी, तो एक यू शेप रिकवरी बन गई। और इसके पीछे इन्होंने जो मेजर चेंजेस आए थे उसके पीछे क्या कॉजेस थे, एक्सपेंडिंग एजुकेशन। ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1990s मतलब 20th सेंचुरी, इसमें एजुकेशन में जबरदस्त चेंज आए, ड्रेस्टिक चेंज आए वुमेन एजुकेशन में। नेक्स्ट चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस, पहले ना एक्सपेक्टेशन प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी, जितने भी हमारा रूढ़िवादी कह लो ठीक है इस टाइप की, तो एक एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ा चेंज आया है। पहले ये समझा भी जाता था कि वुमेन इट इज जस्ट फॉर टेक केयर ऑफ होम ओनली, लेकिन अब प्रोस्पेक्ट थोड़ा चेंज हुआ, थिंकिंग और एक्सपेक्टेशन थोड़ी चेंज हुई ठीक है। वुमेन कैन हैंडल होम एज वेल एज ऑफिस ऑल्सो। उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करती है उनके लिए, तो एक थर्ड रीजन ये भी माना। ये तीनों ही रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछ सकता है एग्जाम के कौन कौन से कॉजेस ठीक है, कौन कौन से कॉजेस यहाँ पे डिस्कस किए थे नोबेल लॉरिएट क्लाउडिया गोल्डिन ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गोल्डिन ने जो ये एक्सप्लेनेशन दिया है, इस एक्सप्लेनेशन का हम यही बोल सकते हैं ये तीन कॉज इन्होंने माने हैं, जो अब रिकवरी फेस है इसका मेन ये थ्री कॉज है ठीक है। तो यही मेन स्टडी थी। और दूसरी इन्होंने अब एक ये वाला डायग्राम में ये बताने की कोशिश की, अब अर्निंग देखो, अर्निंग पहले पहले क्या होता, मैन एंड फीमेल एक साथ चलते हैं फर्स्ट बेबी के बाद ठीक है, मेल का जो प्रोग्रेस है वो तो सिंपली चलता रहता है मेल, लेकिन फीमेल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है या वर्किंग में जो पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल लो हो जाता है या फिर कम होना शुरू हो जाता है ठीक है आफ्टर फर्स्ट बर्थ। सो अब उसके बाद वो निचला लेवल पे ही जो वुमेन है या फिर लेडी है वो कंटिन्यूअस चलती है, बल्कि जो मेल होता है वो एक सिंपल कॉन्स्टेंट रेट से चलता रहता है अपने वर्क पे, उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट किस पे पड़ता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद या फर्स्ट बर्थ के बाद लेडीज के लाइफ के ऊपर ठीक है, बेबी की केयरिंग है या फिर उनका स्कूलिंग है, फिर उसके बाद टेक केयर या फिर जो रख रखाव है बच्चों का वो। तो ये इतना प्यारा सा डायग्राम से उन्होंने समझाने की कोशिश करी, दो डायग्राम से यूज करे। सो ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी वुमेन एजुकेशन लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज। हाँ जी, पहले तो एजुकेशन लेवल इंक्रीज हुआ ठीक है वुमेन का। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो यूज किया ठीक है, जिसको हम लोग गर्भ निरोधक गोलियां भी बोलते हैं ठीक है, प्रिवेंटेटिव मेजर है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। चलिए और उसके बाद नेक्स्ट चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस। चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस में वही है कि वुमेन की जो एक्सपेक्टेशन पहले प्रीवियस जनरेशन जो थी वो, फॉर इंस्टेंस देयर मदर्स हु डिड नॉट गो बैक टू द वर्क अंटिल द चिल्ड्रन हैड ग्रोन अप, जब तक बच्चे ग्रोन अप नहीं होते तो वुमेन वर्क पे नहीं जाती थी। यही कारण था स्लो डेवलपमेंट का ठीक है। सो गोल्डन के स्टडी के अकॉर्डिंग, सो हिस्टोरिकली मच ऑफ द जेंडर गैप इन अर्निंग कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट इन
एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल चॉइसेस। तो मेजर जो डिफरेंस आ रहा था वो ये माना गोल्डिन ने कि एजुकेशन और उसके बाद ऑक्यूपेशनल चॉइस, एजुकेशन में ही डिफरेंस था, मेल को एजुकेशन थोड़ा ज्यादा फीमेल को कम, तो वही गैप बन गया ऑक्यूपेशन में भी। तो अंडरस्टैंडिंग वुमेन्स रोल इन द लेबर इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वुमेन्स का रोल लेबर पार्टिसिपेशन में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जेंडर, हम लोग जेंडर पैरिटी या फिर जेंडर इंडेक्स वगैरह भी पब्लिश करते हैं, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स पब्लिश करते हैं, लेकिन ये वाली जो स्टोरी थी या स्टडी थी काफी ज्यादा मच बेटर थी, क्योंकि ये वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो सामने आता है इस, ठीक है, जितने भी 200 सालों में जो भी वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा है वो इन्होंने बताया था, स्पेशली जो रिकवरी है वो यू शेप। चलिए फैक्ट्स कुछ और जान लेते हैं नोबेल प्राइज के ऊपर। और ये जितनी भी स्टडी थी आपको कहीं और इससे स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी ही बातें थी जो 9 अक्टूबर को जब ये पब्लिश हो रहा था या फिर जब डिस्कशन हो रही थी इस पे, इतनी ही बातें इसमें हुई। ये जितना भी डाटा है ना ये ऑफिशियल उनकी जो वेबसाइट है, ठीक है, नोबेल लॉरिएट्स, ठीक है, स्वेरिजियस रिक्स बैंक इसको पब्लिश करता है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है। कोई भी चीज इसमें एडिशन आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1968 में रिक्स बैंक जो है स्वेडन का सेंट्रल बैंक है वो ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करता है किसकी याद में, नोबेल प्राइज जो फाउंडर है अल्फ्रेड नोबेल के याद में। इनिशियली 1895 में जैसे अदर सब्जेक्ट है जिन में भी नोबेल लॉरियट्स मिलता है इनिशियली, ठीक है, इकोनॉमिक्स उसमें शामिल नहीं था, ठीक। फर्स्ट नोबेल लॉरियट्स जो बने इकोनॉमिक्स में 1969 में बने, ठीक है, और उसमें भी जो यंगेस्ट लॉरियट्स थे वो अस्थर डफलो, 2019 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, 46 ईयर ओल्ड। चलिए सो रैगनर फिश हो गए जिन्होंने इकोनॉमी को दो भागों में बांटा था, माइक्रो और मैक्रो। टिनबर्जन हो गए, ये फर्स्ट टाइम इनको मिला था 1969 में। फिर उसके बाद पॉल सैमुएलसन हो गया, साइमन कुजनेट्स नाम बहुत सुना होगा आपने, हिक्स हो गया, एरो हो गए, तो इनकी थ्योरीज भी हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर हम रिसेंट की बात करें तो उसके बाद 20 20, ठीक है, पॉल मिलग्रोम, रॉबर्ट विल्सन्स हो गए, और उसके बाद ये थ्री इकोनॉमिस्ट, ठीक है, 2021 में, और उसके बाद थ्री इकोनॉमिस्ट 2022 में जिनको नोबेल लॉरियट्स नोबेल पुरस्कार मिला, और फाइनली 2023 में क्लाउडिया गोल्डिन। तो ये स्टोरी आप लोग जो स्टडी है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए शॉर्ट टॉपिक था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, और अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसको ज्यादा हाई लेवल पर रखिए क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल भी हाई लेवल का है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।